हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे आप 4G फिल्म के कैमरास को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एज ए वेबकैम ऑन द प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, फेसबुक, ट्विच, जूम, स्काइप। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप 4G फिल्म का कैमरा यूज़ करते हैं या फिर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप किसी ऐसे कैमरा की तलाश में हैं जो कि आपके लिए लाइव स्ट्रीमिंग कर सके, एक प्रोफेशनल कैमरा, तो 4G फिल्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल कैमरा इन द मार्केट टू बी यूज ऑन लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज। आप भी नहीं चाहेंगे कि, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप मिररलेस कैमरा या फिर इतना महंगे कैमरास को क्यों यूज़ करेंगे लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि यूट्यूब के ऊपर या फिर जूम मीटिंग्स के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, दुनिया में कोई भी ऐसा वेबकैम नहीं बना है जो कि एक मिररलेस या फिर एक फुल फ्रेम या फिर एक क्रॉप सेंसर की कैमरा क्वालिटी आपको दे सके या फिर एक प्रोफेशनल ऑडियो आपको दे सके, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा रीज़न है कि इस तरह के कैमरास को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए लाइव स्ट्रीम। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं वीडियो के स्पॉन्सर्स की। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है काजल स्टूडियोज़ की तरफ से, और अब काजल स्टूडियोज़ में आपको 4G फिल्म के कैमरास भी देखने को मिलेंगे और आप रेंट पर लेकर चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि 4G फिल्म का XT5 और XH1, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो सेंट्रिक कैमरा है। इसे आप रेंट पे लेके चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं 4G फिल्म की क्वालिटी कैसी आती है। वैसे 4G फिल्म के कैमरास के बारे में हम और भी काफ़ी सारी बातें आगे करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिए। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को, किस तरीके से आप यूज़ करेंगे 4G फिल्म के कैमरा को एज ए वेबकैम ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। आज किस वीडियो में आपको दो प्लेटफॉर्म बताऊँगा, यूट्यूब पे और जूम पे आप किस तरीके से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप वीडियो को एंड तक देखते नहीं हैं, फिर कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आता है और आप फिर कमेंट में सवाल पूछते हैं। वैसे सवाल पूछने में कोई इशू नहीं है, सवाल डेफिनेटली पूछिए, बट मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको सवाल पूछने का ज़रूरत ना पड़े। वैसे वीडियो कैसा लगा ज़रूर देख के बताइएगा। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं, और सबसे पहले आपको बता दें 4G फिल्म कैमरा के अंदर ही आपको सेटिंग मिलता है, यू कैन यूज़ दिस कैमरा एज ए वेबकैम ऑन यूट्यूब या फिर जूम या फिर स्काइप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो इसका एक इनबिल्ट फीचर है, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक चीज़, क्योंकि 4G फिल्म के XT5 एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, क्योंकि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ 4G फिल्म का XT5 और 4G फिल्म का XH1 जिस पर करेंटली ये वीडियो शूट हो रहा है। XT5 को हम करने वाले हैं यूज़ एज ए वेबकैम ऑन जूम एंड यूट्यूब, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए टाइप सी केबल, टाइप सी टू टाइप सी भी यूज़ कर सकते हैं, USB टू टाइप सी भी यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए एक हाई स्पीड केबल हो आपके पास, क्योंकि 4G फिल्म XT5 में टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है। और टाइप सी केबल एक ऐसा केबल है जो कि यूनिवर्सल केबल है, मेजॉरिटी लोगों के पास टाइप सी केबल होता है घर में, तो एडिशनल आपको केबल खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 4G फिल्म के कैमरा से लाइव स्ट्रीम करने के लिए आपको किसी भी स्विचर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कैप्चर कार्ड की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली प्लग एंड प्ले वाला फीचर है और बहुत ही आसान फीचर है, ठीक है। सिंपली आपको चाहिए एक टाइप सी केबल जिसको आप इंस्टॉल करेंगे अपने कैमरा में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये रहा देखिए हमारा टाइप सी केबल, ठीक है। ये टाइप सी केबल आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इस टाइप सी केबल को मैं इंसर्ट करता हूँ XT5 के टाइप सी पोर्ट में। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आपको टाइप सी का पोर्ट दिख जाएगा, जस्ट HDMI पोर्ट के ऊपर आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है, वहाँ पे आप सिंपली इसे प्लग कर देंगे, ठीक। तो एज यू कैन सी करेंटली हमने प्लग तो कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहाँ देखते हैं कि यूट्यूब पे और स्काइप पे हमारा कैमरा एज ए वेबकैम डिस्प्ले होता भी है या नहीं, क्योंकि वो जो सेटिंग है, अंदर की जो सेटिंग है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आपका कैमरा सपोर्ट नहीं करता है तो आप किस तरीके से USB-C को एज ए वेबकैम यूज़ करेंगे वो आपको बाद में बताते हैं, बट करेंटली हमने USB-C लगा दिया है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या हमारा कैमरा सपोर्ट होता भी है या नहीं, ठीक है। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो जूम का जो यूज़र इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पर सिंपली मैं क्लिक करूँगा सेटिंग के ऊपर, और सेटर से यहाँ तक चलते हैं वीडियो में। और सबसे पहले हमारे कैमरा को टर्न ऑन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कैमरा ही ऑफ है आई गेस। जी हाँ, हमारा कैमरा ही ऑफ है तो ये कैसा डिस्प्ले करेगा, ठीक है। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमने यहाँ पे 4G फिल्म XT5 को USB-C से कनेक्ट कर दिया है, और जैसे ही हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे हमारे जूम के यूज़र इंटरफेस में हमारा कैमरा डिस्प्ले हो गया है।
जो कि करंटली मेरे टेबल पर जो भी है वो चीज़ें डिस्प्ले कर रहा है। तो हमारा 4G फिल्म तो आपने देखा कितना ज़्यादा इजी है इस कैमरा को यूज़ करना एज ए वेबकैम। सिंपली आपको एक USB-C लगाना है, उसका दूसरा एंड जो है अपने कंप्यूटर में लगा देना है, आपका कैमरा एज ए वेबकैम रेडी हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक डिमेरिट है, क्योंकि फूजी फिल्म XT5 कंटिन्यूस पावर सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि आप इसे टाइप सी में लगा के कंटिन्यूसली चार्ज नहीं कर सकते हैं, या फिर आप यूँ कहें कि आप इसे कंटिन्यूसली यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बैटरी की जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी के बाद बैटरी आपका डेड हो जाएगा। या फिर अगर आप फूजी फिल्म का कैमरा पहली बार यूज़ कर रहे हैं या फिर आपको वो सेटिंग नहीं पता है, तो प्रॉबेबली चांसेस ये भी हैं कि आपका कैमरा नेक्स्ट 2 मिनट्स में बंद भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात है आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहेंगे, और हो सकता है आपके कैमरा मेमोरी कार्ड भी ना हो क्योंकि आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, आप वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है क्योंकि वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करेगा, 30 मिनट से उससे ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकता है, आई डोंट नो। बट अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो आपका लाइव स्ट्रीम विद इन 1 मिनट 30 सेकंड या फिर 2 मिनट के अंदर बंद हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग जो कि आपके कैमरा में किया होगा आपने। तो ये तो आपने देखा हमारा कैमरा एज ए वेबकैम सपोर्ट हो चुका है जूम में। अब आपको यूट्यूब में भी करके दिखाते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, सो दैट कि आप समझ जाएं कि ये कैमरा यूट्यूब में भी सपोर्ट करता है एज ए वेबकैम। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ से डायरेक्टली आपको यूट्यूब पर लेके चलते हैं, ठीक है। इसको करते हैं बंद, ओपन करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाँ, ये हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, इसलिए हमने इसी को एज ए डेमो यूज़ कर लिया है। तो जब भी आप यहाँ पे गो लाइव के ऑप्शन पे यूट्यूब में क्लिक करते हैं, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है। आप सेकंड ऑप्शन पे चला जाइए वेबकैम के ऑप्शन पे, ठीक है। और आप जैसे वेबकैम के ऑप्शन पे देखेंगे क्रिएट स्ट्रीम के पीछे आप देखिए, जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ सब कुछ आपको वहाँ पे दिख रहा है। सिंपली यहाँ पे हम लिख देते हैं मुझे फिल्म स्ट्रीम टेस्ट, ठीक है। यहाँ से इसे कर देते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये टेस्ट वीडियो है तो हम इसे किसी को नहीं दिखाने वाले हैं। इसे कर देते हैं अनलिस्टेड, क्लिक कर देते हैं डन, और यहाँ से कर देते हैं गो लाइव। तो यहाँ से हमारा कैमरा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं आपका फूजी फिल्म XT5 एज ए वेब कैम ईजिली आप यूज़ कर पाएंगे। बट जैसा कि मैंने आपको कहा, हो सकता है आपका कैमरा 30 सेकंड से लेके 5 मिनट तक की सेटिंग रहती है, इन बिटवीन बंद हो सकता है अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि कैमरा में एक फ़ीचर दिया है जहाँ पर आप इस फीचर को यूज़ करके अपने कैमरा को जब तक उसकी बैटरी डेड नहीं हो जाती है आपका कैमरा बंद नहीं होगा, ठीक है। और ये चीज़ें जो होती हैं जनरली बैटरी सेवर ऑप्शन, आप इसे कह सकते हैं कि अगर आप सडनली यूज़ करना बंद कर देते हैं तो आपका कैमरा किसी भी तरीके की एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, बैटरी को सेव करने के लिए वो स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। उस चीज़ से बचने के लिए क्या करेंगे आप, चलिए कंप्यूटर कैमरा के स्क्रीन में चलते हैं और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से उस सेटिंग को भी चेंज कर पाएंगे। तो अब चलते हैं हमारे कैमरा के डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं हमारे कैमरा में फूजी फिल्म के मेन्यू सिस्टम में किस तरीके से आप वो सेटिंग को चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे चलते हैं मेन्यू में और यहाँ पे ऑटो पावर ऑफ, तो डायरेक्टली मैं उसी चीज़ को सेट करा था इसलिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। मैं आपको स्टार्ट से दिखाता हूँ, सिंपली आप मेन्यू पर क्लिक करेंगे और आपको सबसे नीचे इस सेटिंग के ऑप्शन पर आ जाना है, ठीक है। अब जब इस सेटिंग के ऑप्शन पर आ जाएंगे यहाँ से कीजिए ओके, और यहाँ पर आपको पावर मैनेजमेंट का फीचर मिल जाता है। पावर मैनेजमेंट के फीचर को आप ओके कीजिए और यहाँ पे देखिए ऑटो पावर ऑफ जिसे हमने करंटली ऑफ कर रखा है, अगर ये ऑन रहेगा, ठीक है, आप इसे कुछ इस तरीके से सेट कीजिए। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 सेकंड्स गोइंग ऑल द वे टू 5 मिनट्स। अगर इसमें से कोई भी एक सेटिंग आपका ऑन है तो आप, या अगर 15 सेकंड ऑन है तो आपका कैमरा 15 सेकंड तक अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो कैमरा आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। मैक्सिमम 5 मिनट तक आप इस सेटिंग को रख सकते हैं। इन जनरल ये सेटिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बट जब आप अपने फूजी फिल्म XT5 या फिर फूजी फिल्म के किसी भी कैमरा को एज ए वेबकैम यूज़ कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तब आपको इस सेटिंग को ऑफ रखना है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। बाकी सेटिंग्स को आप नहीं भी छेड़ेंगे तो चलेगा, अगर छेड़ भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। बट एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि जब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे होंगे, आपका USB-C और आपका HDMI एट द सेम टाइम अगर कनेक्टेड है, तो प्रोबेबली चांसेस है कि आपका लाइव स्ट्रीम काम करेगा या फिर आपका HDMI काम करेगा, क्योंकि दोनों एक साथ काम नहीं करता है 4K 5 में। XH1 में काम करेगा कि नहीं, ये आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। करेंटली मैंने अभी XH1 को ज़्यादा यूज़ किया नहीं है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, वीडियो थोड़ा सा लंबा डेफिनेटली हो गया, बट अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।